नमस्कार। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था। अगर हम बात करें 2019 में जो बहुत अच्छे गेम्स हुए थे, और खासकर जो ब्लैक ने इसमें जो अटैकिंग चेस खेला है वो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने इसको कवर किया होगा, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल गेम नहीं था। पर अगर आप गेम की बात करेंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ब्लैक ने अटैक किया था इसमें। और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ इस गेम में। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो मार्क नासिस्को डबलिन जो व्हाइट प्लेयर है वो, और ब्लैक जो है वो एक ग्रैंड मास्टर है विटैली बर्नेट्स की, यूक्रेन के हैं। मैं खुद उनके साथ एक बार खेला हूँ। मुझे लगता है 2016 या 17 में मेरा दिल्ली में एक गेम हुआ था उनके साथ, 4 नाइट पे। तो देखते हैं हम इस गेम में आगे क्या हुआ। क्विकली हम लोग गेम की तरफ जाते हैं और फिर आगे देखेंगे डिटेल्स में क्या हो रहा है। तो गेम जो स्टार्ट हुआ वो D4 Nf6 C4 G6 F3 BG7 E4 कैसल Nt2 C3। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली Nc3 पहले भी खेल सकता है व्हाइट, और बाद में आप F3 आ सकते हो, ताकि KID में हम लोग इसको सैमिश वेरिएशन के नाम से जानते हैं, F3 जो सिस्टम है। और ब्लैक इसमें नॉर्मली D6 खेलता है, और यही उसका मेन कंटिन्यूएशन है, जिसमें आप बिशप E3 जा सकते हो। यहाँ पे एक C5 एक अच्छा कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप डी कट C5 मार सकते हो, जिसमें कि डी कट C5 क्वीन D8 रुक D8 Bb2 C5 Nc6। और ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्लैक के पास डेफिनेटली एक पॉन के बदले कॉम्पेंसेशन है। लेकिन अगर बात करें कि डी कट C5 जो है उसकी जगह व्हाइट को अगर Ng2 खेलना है तो ये भी खेल सकते हैं, जिसमें आप Nc6 D5 में भी Ne5 और Ng3 जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप E6 जा सकते हो, और Bb2 के बाद E कट D, C कट D, A6 A4 और H5 के बाद। ये बहुत कॉमन मूव्स हैं जो कि ओपनिंग में नॉर्मली होती हैं। ये दो सेटअप्स नॉर्मली ब्लैक खेल सकता है। लेकिन मुझे लगता है बर्नेट्स्की ने जो स्टार्ट किया वो फिफ्थ मूव पे उन्होंने C6 खेला, और उन्होंने थोड़ा सा ओपनिंग मूव ऑर्डर को फ्लेक्सी रखने की कोशिश किया, और जो मेन लाइन थियरी है उसको अवॉइड करके खेलने की कोशिश किया। जैसे ही उन्होंने C6 खेला तो यहाँ पर Bb3 आया वाइट, और आफ्टर D6 Ng2 खेला, और यहाँ पर आकर A6 खेल दिया उन्होंने। A6 पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो आइडिया है वो B5 है नेक्स्ट मूव यहाँ पर। और अगर आप B5 को A4 से रोकते हैं तो मे बी कुछ कंडीशंस में ब्लैक A5 खेल सकता है, जिसमें कि बाद में हम Na6 आके Nb4 आ सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्लेस बन सकता है नाइट के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन A6 के बाद यहाँ पे C5 खेल दिया वाइट ने। और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि C5 के बाद यहाँ पर Nb7 खेला ब्लैक ने, और Nb7 को वैसे देखा जाए तो थियोरेटिकली जो कुछ मूव्स मैंने सर्च किए थे उनमें Qd2 एक सबसे इम्पोर्टेंट मूव था। Qd2 को आप B5 या B6 दोनों में से कोई एक मूव खेल सकते हो, और ये कंटिन्यूएशन हो सकती है। लेकिन Nb7 के बाद वाइट ने Ck(d6) मार दिया, और उनको लगा आफ्टर Ck(d)E(d6) ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है वाइट के लिए। तो यहाँ पर Ng3 खेला उन्होंने, और डेफिनेटली A6 जब खेला था ब्लैक ने तो उनका मेन आइडिया B5 था, और क्वीन साइड स्पेस क्रिएट करना चाहिए इधर इस पोजीशन में। Bb2 खेला, आइडिया सिंपल है, शॉर्ट कैसल कर रहा है वाइट नेक्स्ट मूव में। C5 खेला यहाँ पे। अब अगर आप बात करें नॉर्मल सेटअप्स की तो यहाँ पे वाइट वैसे D5 जा सकता था, जिसमें आप देखें कि H5 आ सकता है ब्लैक, और अगर आप कैसल करते हैं तो Nh7 आके हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि H4 करके इसको रिमूव करो यहाँ से पहले। अगर वो H1 जाता है तो फिर F5 F4 एक बहुत अच्छा प्लान बन सकता है, और साथ ही साथ E5 आप नाइट को बिठा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्पॉट हो सकता है नाइट के लिए। और नॉर्मली इस पोजीशन में वाइट A4 खेलता है टू स्टॉप B5, पर यहाँ पर B5 खेल के क्वीन साइड में भी स्पेस है ब्लैक के पास, तो ये एक अच्छा पोजीशन मुझे लग रहा था, ये अचीव कर सकता था ब्लैक। बहरहाल गेम में C5 के बाद वाइट ने कैसल कर दिया। कैसलिंग के बाद ये जस्ट स्टार्टिंग पोजीशन है जो मैं एक्चुअली दिखाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे आके व्हाइट ने जब कैसल किया तो Ck(d4) खेला ब्लैक ने, Ck(d4) को Bb(d4) फोर्स्ट, और यहाँ पे Bb7 खेल दिया। Bb7 में आप देख सकते हैं कि ब्लैक अभी धीरे धीरे सभी पीसेस डेवलप कर रहा है। खासकर आप देख सकते हैं कि ये एक पॉन वीक है नॉर्मली D6 में। अगर हम बात करें तो कुछ कंडीशंस में सिसिलियन में ऐसा पोजीशन हो सकता है, लेकिन सिसिलियन में नॉर्मली E6 या E7 पे पॉन रहती है, और C2 पे पॉन रहता है इधर। तो
वो दोनों मिसिंग है, तो इस पोजीशन में हम बोल नहीं सकते हैं कि कोई सिसिलियन का सेटअप है, लेकिन ब्लैक का डेफिनेट आइडिया ये रहेगा कि D5 खेल के मैं E4 पॉन से ये पॉन एक्सचेंज कर दूं, क्योंकि ये एंडिंग में वीक हो सकता है बहुत। तो रुक E1 खेला यहाँ पे वाइट ने, रुक C8, डेफिनेटली सभी पीसेस को गेम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट था ब्लैक के लिए। बिशप F1 खेला वाइट ने यहाँ पे, रुक E8, और अब आप देख सकते हैं आफ्टर रुक E8 सभी पीसेस ऑलमोस्ट गेम में है, और कुछ कंडीशंस में हमारे पास Ne5 Nc4 ये आइडियाज हैं इस पोजीशन में। तो रुक C1 खेला वाइट ने भी, अपना लास्ट पीस जो है वो इम्प्रूव कर लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जब भी यहाँ प्लेयर्स को जब हम पढ़ाते हैं, तो कि जब भी आपको लगे कि पोजीशन में क्या करना है, कोई एक राइट पाथ नहीं दिख रहा है और पीसेस को कहाँ रखें, तो एक सिंपल थ्योरी यूज करनी चाहिए जिसको बोलते हैं वर्स्ट पीस फर्स्ट। यानी आपके जो पीसेस गेम में नहीं है, आपके जो पीसेस फिलहाल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं गेम में, आप वन बाय वन करके उनको इम्प्रूव करते आओ, आपका पोजीशन ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जाएगा खुद ही। तो रुक C1 खेला, दोनों ही प्लेयर्स ने अपने सभी पीसेस ऑलमोस्ट गेम में ला लिए थे, और यहाँ आकर Ne5 खेला ब्लैक ने। Ne5 को यहाँ पर Qb3 खेला, डेफिनेटली जो आइडियाज हैं वो ये हो सकते हैं कि Rd1 आओ, रुक की फाइल में क्वीन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ कंडीशंस में जब A4 खेलेंगे तो B5 को प्रॉब्लम्स रहेंगे। डेफिनेटली आप Bcट A नहीं मार सकते हो, क्योंकि B7 पे भी इश्यूज है। तो Qb4 एक B3 एक देखा जाए तो वैसे अच्छा मूव लग रहा था। यहाँ पर H5 खेला, हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी नाइट G3 और B3 पे होता है तो ऐसे आइडियाज हमेशा सोचना चाहिए नाइट को रिमूव करने के लिए। तो H5 खेला उन्होंने, और वैसे भी ये जो सेटअप जो खेल रहे हैं हम, इसमें जो सिस्टम है H5 H4 करके नॉर्मली वो खेलते ही है, तो H5 खेला उन्होंने। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो रुक ED1 बहुत नॉर्मल मूव था जिसमें आप H4 आ सकते हैं, और Ne2 खेला तो मे बी Nf D7 आ सकते हैं, और बाद में Nc5 एक सिंपल आइडिया लग रहा है आफ्टर रिमूविंग क्वीन। सो H5 जब खेला था तो व्हाइट के पास रुक ED1 बहुत ही सिंपल वे था कंटिन्यू करने का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने Nh1 खेला। मे बी उनका आइडिया नेक्स्ट ये होगा कि Nf2 खेला जाए, ये बहुत कॉमन मैन्यूवरिंग होती है। अगर हम सैमिश की बात करें तो Ne2 Ng3 Nf2 और Nh1 और Nf2। बहुत सारे कंडीशंस में जब ब्लैक Nb7 जल्दी खेल देता है और Ne2 आया हुआ नहीं रहता है, तो आप Nh3 खेल के भी Nf2 खेल सकते हैं, उसमें आपके दो मूव्स बच जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि आपने जो 1 2 3 4 करके मैन्यूवर किया था वो आप 1 2 में ही कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है ओपनिंग वाइज अगर हम बात करें। तो Nh1 खेला, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप थोड़ा रुक के कोशिश करें कि क्या ऐसा हो रहा है इस पोजीशन में, कि बहुत सारे प्लेयर्स ने इसके बारे में लिखा था, मैंने पढ़ा था जब, तो इसमें और एक एक स्पेशली मैंने एक ट्वीट भी देखा था जो कि रेगुलरली चेस अपडेट्स के बारे में करते हैं। सो यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि इस पोजीशन में आप उसको सेट भी कर सकते हैं बोर्ड पे, और कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसको देखें ताकि आपको पता चले कि इस पोजीशन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोजीशन था, और खासकर जिन लोगों को अटैकिंग चेस अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग चेस अच्छा लगता है, और कैलकुलेशन वाइज भी अच्छी बात है इस पोजीशन को देखना। तो क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। जो उन्होंने मूव खेला फर्स्ट मूव मुझे लगता है इतना भी टफ नहीं था, लेकिन डेफिनेटली जो जो गेम में बाकी कंटिन्यूएशन हुई वो आपको पूरा देखना चाहिए, तभी आपको इस गेम का पूरा मजा आएगा। तो उन्होंने जैसे ही Nh1 खेला व्हाइट ने, यहाँ पर उन्होंने Ne2 F3 मार दिया। अभी आप देख सकते हैं कि Ne2 F3 को मारना फोर्स्ड है इसमें, अदरवाइज D4 हैंगिंग था, और सिर्फ एक ही सेक्रीफाइस नहीं, Ne2 F3 सेकेंड मूव पे उन्होंने Ne2 E4 भी मार दिया। तो डेफिनेटली इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ऐसा क्या हुआ है इस पोजीशन में कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रहे हैं एक्चुअली व्हाइट को, कि ब्लैक दो मूव में दो नाइट सेक्रीफाइस दे रहा है। पहला नाइट उन्होंने F3 पे दिया, दूसरा नाइट उन्होंने E4 पे दिया, और E4 पे देने के बाद अगर आप Bb7 मारते हो तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन था, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि Bb7 को डेफिनेटली King G7 मारना अच्छा नहीं रहेगा, तो Qg5 चेक। अगर आप Ng3 आते हो इस कंडीशन में तो Ne2 G3 Re8 Re8 और Hg3 अगर मारते हो तो क्वीन चेक, और Bf2 आते हो तो Bb3, और अभी G2 मर रहा है, और उसको अगर आप बचाने जा रहे हो Qc2 से, तो Bkg2 करके सब कुछ एक्सचेंज करके King G7 आ रहा है, और यहाँ पे आप 4 पॉन अप हो तो डेफिनेटली ये विनिंग है। लेकिन
नाइट जी3 की जगह, मतलब आफ्टर क्वीन जी5, अगर नाइट जी3 नहीं खेला होता और बिशप जी2 आया रहता, तो इस कंडीशन में भी एक प्रॉब्लम है कि क्वीन सी5 चेक आ रहा है। क्वीन सी5 चेक में आप देख सकते हो कि Bd4 वापस नहीं जा सकता है, रूक e3 नहीं आ सकता है, नाइट f2 नहीं आ सकता है, सब में प्रॉब्लम है। और अगर आप किंग f1 जाते हो तो नाइट d2 सीधा मेट हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो पूरा वेरिएशन था Bg7 मारना, यही पूरा रॉन्ग लग रहा था। तो उन्होंने f(e4) मारा और बिशप इंटू d4 अलाउ किया उन्होंने। बिशप इंटू d4 के बाद अभी आप देख सकते हैं एक परफेक्ट अटैकिंग गेम है, जहां पे दो स्ट्रॉन्ग बिशप लगे हुए हैं किंग की तरफ, दो पॉन है आपके पास एक पीस के लिए और एक्सपोज्ड किंग। तो डेफिनेटली इस पोजीशन में मैं बोलूंगा कि ब्लैक के पास बहुत ही स्टैंडर्ड अटैकिंग पॉसिबिलिटीज है। नाइट f2 खेला, ये ऑलमोस्ट फोर्स्ड लग रहा है क्योंकि किंग g2 में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। नाइट f2 खेला यहाँ पे, अगर हम क्विकली देखें तो किंग g2 को यहाँ पे क्वीन g5 आ रहा है चेक, नाइट g3 को h4 आ रहा है, और डेफिनेटली आपको पीस देना पड़ेगा जो कि कम्प्लीटली विनिंग रहेगा ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर आकर जब नाइट f2 खेला क्वीन बिशप d4 के बाद, तो क्वीन h4 आया, भी f2 मर रहा है, रुक c2 से सपोर्ट दिया उसको, और फिर से ब्लैक के पास डेफिनेटली अटैकिंग चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि e4 को ऐसे मारना अच्छा नहीं है बिकॉज नाइट सपोर्ट दे रहा है उसको, उन्होंने रुक इन टू c3 मार दिया। अब रुक कट c3 को बी कट c3 मारा यहाँ पे, डेफिनेटली आप रुक इन टू c3 नहीं मार सकते हो, f2 चेक और क्वीन g1 मेट हो रही है, और क्वीन इन टू तो नहीं मार सकते हो बिशप है d4 पे, तो बी कट c3 ओनली मूव था। क्वीन g5 चेक, क्वीन g5 चेक में आप देख सकते हैं कि बिशप g2 खेला यहाँ पे। एक्चुअली अगर आप इसमें किंग h1 वगैरह खेलते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि रुक रुक e4 आ रहा है यहाँ पे, तो रुक e4 के बाद मुझे लगता है ये पोजीशन डेफिनेटली लॉस्ट है, क्योंकि जैसे ही आप नाइट इंटू e4 मारोगे तो मेट हो रहा है, और अगर रुक इंटू e4 भी मारा रहता तो बिशप इंटू e4 आके नाइट नाइट e4 और क्वीन g1 मेट हो रहा था। तो जब बिशप g2 खेला उन्होंने, तो बिशप जी टू को रुक इन टू ई फोर मार दिया उन्होंने। अभी आप देख सकते हो कि दोनों पीस पिन है, तो ई फोर को नहीं मार सकते हैं वो, और रुक इन टू ई फोर अगर आप मारते हो तो बिशप इन टू ई फोर के बाद c2 मर रहा है, और g2 पे भी प्रॉब्लम है, और g2 को एक्चुअली सपोर्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये नाइट पिन है f2 का। तो बड़े प्रॉब्लम थे इस गेम में, और बहुत ही भयंकर तरीके से ब्लैक ने अटैक किया था, स्पेशली ये जो बिशप्स हैं दोनों लगे हुए, पावर ऑफ टू बिशप्स, ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इस कंडीशन में। तो उन्होंने किंग f1 खेला रुक इन टू ई फोर के बाद। यहाँ पर और एक बहुत ही अच्छा मूव आ गया, क्वीन इन टू g2। क्वीन इन टू g2 जो मूव है, एक्चुअली मैंने जब पहले बोला था आपको कि बीच में जब स्टार्ट हुआ था गेम, मतलब अटैकिंग चांसेस वहां पे आप रुक के देख सकते हो, तो इसके पहले भी आप पूरा गेम अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वीन इन टू g2 के बाद फोर्स्ड ही विन है ब्लैक के पास, क्योंकि जैसे ही आप किंग इन टू g2 मारोगे तो रुक इन टू e1 आ गया। अभी d7 बिशप से चेक है इसको g2 को, तो डेफिनेटली आपको किंग रिमूव करना पड़ेगा, या फिर आपके पास e4 ऑप्शन है। अगर आप नाइट e4 खेलते हो, जो कि उन्होंने गेम में खेला था, तो भी हम उसको कंटिन्यूशन देखेंगे, पर अगर आप किंग g3 जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुक e3 चेक, किंग h4 अगर आते हो आप तो बिशप f6 चेक और मेट हो रही है, तो इसमें कोई सोर्स नहीं है बचने का। अगर आप किंग f4 पहले आते हो तो इस कंडीशन में रुक चेक आ रहा है, और अगर आप किंग g7 आते हो तो बिशप f6 चेक, और किंग g7 को एक प्रॉब्लम है इस पोजीशन में कि रुक f5 आ रहा है और नेक्स्ट मूव bg7 फोर्स मेट हो रही है, क्योंकि आप कहीं से बचा नहीं सकते। तो क्वीन इनटू f7 में भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेटली वो विन होना चाहिए, तो उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो नाइट इनटू e4 खेला उन्होंने, और आफ्टर बिशप इनटू e4 चेक, यहाँ पर आकर रुक g1 चेक के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन हम लोग क्विकली देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर आप किंग f4 आते हो इसमें, तो रुक g4 मेंटेन वन हो रहा है इसमें, आप रुक g1 के बाद किंग h4 नहीं जा सकते हो क्योंकि बिशप f6 चेक, किंग h3 और बिशप f5 मेट आ रहा है। अगर आप किंग h3 पहले जाते तो फिर मैं बिशप f5 पहले चेक देता, किंग h4 को बिशप f6 मेट हो जाती, और अगर आप रुक g2 खेलते हो जब रुक g1 चेक दिया था, तो उसको रुक कट g2 किंग h3 और फिर रुक g1 वापस आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 तीन पीसेस हैं क्वीन के बदले, और ये बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप c इंटू d मारते भी हो इसमें,
क्योंकि अगर हम बिशप एफ5 चेक देते हैं तो h4 स्क्वायर है, तो उसको सिंपली g5 खेल के बंद कर सकते हो और नेक्स्ट मूव बिशप एफ5 चेक मेट हो रही है। तो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से वर्नाडस्की ने मेट लगाया था वहां पे। और ना सिर्फ जो पहला सेक्रीफाइस था नाइट e4 और नाइट नाइट f3 और नाइट e4, वो सेकंड उन्होंने रुक इन टू c3 दिया, एक्चुअली थर्ड बोलूंगा मैं क्योंकि दो नाइट के बाद वो थर्ड था। फिर फोर्थ उन्होंने रुक इन टू e4 भी अच्छा सोचा, और सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने जब क्वीन इन टू बिशप जो सेक्रीफाइस दिया वो उसके बाद कम्प्लीटली उन्होंने देख लिया था कि मेटिंग पॉसिबिलिटीज है वहां पे और मेटिंग नेट लग रही है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 2019 के टॉप 10 गेम्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस गेम को भी हमको उसमें ऐड करना चाहिए। हालांकि ये गेम लास्ट वीक में हुआ था, तो मुझे लगता है 29 दिसंबर को हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को तब क्लिक नहीं हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में या फिर कुछ वीक्स में या कुछ मंथ में लोग इसको नोटिस करेंगे और ये बहुत अच्छा गेम होता है एक। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, कोशिश करेंगे हम कि और अच्छे गेम्स देखें। और मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मुझे जो अच्छे लगते हैं गेम्स, और मेरा मेन एम ही है कि चेस जितना हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सके, और मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करके बताऊँ। बहुत ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा हायर रेटेड प्लेयर्स के ही गेम्स लेके आऊँगा, कोई भी गेम हो सकता है, कोई छोटे बच्चे का भी अगर कोई अच्छा गेम होता है, कोई लोअर रेटेड प्लेयर का भी कोई अच्छा गेम होता है, या कोई भी ऐसा चेस वाइज जो बात हम शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियोस। आज मुझे एक प्लेयर ने मैसेज किया था एक गेम के एनालिसिस के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक बार क्लियर करूँगा किसी एक वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।